दोस्तों ये बात है 1907 की अमेरिका के स्टेट न्यूयॉर्क में मौजूद विक्टोरिया थिएटर की। इस थिएटर में तरह तरह की एक्टिविटीज़ और कलाबाजियाँ होती थी जिसे देखने के लिए अमेरिका भर से लोग आते थे। लेकिन इसकी पूरी शोहरत एक छोटी सी लड़की सोबर सू ने अपनी तरफ खींच ली। हुआ यूं कि विक्टोरिया थिएटर के मैनेजमेंट ने ये बात रखी कि कोई इस लड़की को हंसा नहीं सकता। ऑडियंस में से लोग उठते और तरह तरह के एक्ट्स करके सोबर सू को हंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। अब इस एक अकेली लड़की ने पूरे थिएटर को मालामाल कर दिया। लोग दूर दूर से सिर्फ इस लड़की को देखने आते थे, लोग थक हार कर बैठ जाते थे, लेकिन सोबर सू हंसना तो दूर, एक मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर नहीं लाती थी। लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये लड़की शायद अंधी और बहरी है, लेकिन ये दावा भी गलत साबित हो गया। सोबर सू देख भी सकती थी और सोबर सू जो है सुन भी सकती थी। अब विक्टोरिया थिएटर की कमाई इस एक लड़की की वजह से कई गुना हो गई थी और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही थी। तो थिएटर के मैनेजमेंट ने सोबर सू को हंसाने पर इनाम घोषित कर दिया और कहा कि जो कोई सोबर सू के चेहरे पर एक हल्की सी भी हंसी लाएगा उसे $100 दिया जाएगा, और जो उसे कह कहे लगा कर हंसाएगा उसे अच्छी खासी रकम दी जाएगी। दूर दूर से कॉमेडियंस आने लगे और इस लड़की को हंसाने के लिए हर दांव पे चल दिए, लेकिन परिणाम वही, सोबर सू हंसती ही नहीं थी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस लड़की के साथ माजरा क्या है, मामला क्या है, ये हंसना तो छोड़ो मुस्कुराती तक नहीं है। फाइनली बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया। विक्टोरिया थिएटर के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। इस लड़की सोबर सू का रियल नेम सुजैन केली था और यह एक बीमारी मोबियस सिंड्रोम से पीड़ित थी। इस बीमारी में इंसान के चीक्स पैरालाइज हो जाते हैं। यही वजह थी कि सोबर सू को कोई हंसा नहीं पा रहा था। मैनेजमेंट पर केस चलता है और फाइनली सोबर सू के परफॉर्मेंस को बैन कर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।